जी दोस्तों, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सुबह के बज रहे हैं 11। और भाई, कल तो आपको पता है गाड़ी लेके आ गए थे, बट गाड़ी में ना कहीं आपको पता है थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए तो बचता ही है भाई, जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम हो गया, इसके अंदर जो है वो LED वगैरह नहीं है टच वाली, तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो हल्की हल्की डलवानी पड़ेंगी। खैर, हमारे भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो थैंक यू मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि भाई ना बहुत हेल्प कर रहे हैं यार, सीरियसली। मैं तो खुद ड्राइव करता नहीं हूँ, ठीक है, तो भाई बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रहे हैं। आज भी भाई कैसे टाइम निकाल लिया। बस भाई, आपका आपने कहा आप स्पेशल आए हुए, मैं कहा चलो दिमाग लाते हैं चीज़ें, ठीक है। तो अभी मैं एंड पीयूष और यहाँ पे आयुष और दो आयुष, ठीक है, आयुष शीयूष, मैं एक को पीयूष बोल देता हूँ, एक आयुष बोल देता हूँ, नहीं आयुष ठीक है, वो पीयूष ऐसा ही ठीक है, चलो दोनों आयुष आयुष, ठीक है। तो अभी हम लोग मिल के जा रहे हैं भाई गाड़ी का काम करवाने। तो लो जी, पहुँच गए सेक्टर 28 में अभी। तो दोस्तों, पहले तो चलते हैं अंदर शॉप में, जाके पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें नई ऐड करनी पड़ेगी, है ना। हालांकि जहां तक कि मैंने सोचा है भाई, तो मेरा तो थोड़ा ही है, मैंने सोचा थोड़ा स्पीकर डलवा लूँगा और आगे LED जो टच वाली है, बाकी देखते हैं। एक तो लगेगा आपका एंड्रॉइड प्लेयर, तो लगेंगे इसमें JBL के स्पीकर, एक आपका लगेगा कैमरा, उसकी MRP है 2200, वो लगेगा आपको 1500 रुपये का कैमरा, वो बैक मूविंग 360 एंगल। कैमरा भी दोस्तों कंपलसरी है, क्योंकि अभी जस्ट सीख ही रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी बहुत सी चीजें हैं ना। हाँ, एक आपका फ्रेम लगेगा प्रॉपर, ये हमने फ्रेम में फिट कर दिया आपका एंड्रॉइड। अच्छा, तो पूरा आ गया मतलब ना, ये आपकी होंडा के लिए गाड़ी को लग्जरी कार बना देंगे ना। हाँ। लग्जरी गाड़ी बनानी है, देखना रवि भाई, आप जब लेके जाओगे ना हिमाचल, पूछेंगे लोग की गाड़ी कहाँ से ली है, गाड़ी कहाँ से ली है, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे ना इसको, इतना सस्ता है ना अरविंद। एक आपको रेन वाइजर लगेंगे, MRP 1400 रुपए, आपको लगेगा 1100 रुपए का। एक आपके रिंग लगेंगे रेन गार्ड वाले, जिससे कि आपकी स्पीड खराब नहीं होगी पानी से। अच्छा, वो लगेगा वो 500 रुपए का। और सबसे मेन चीज तो भूलिए यार, वो JBL की बेस्ट बड़ी जिसकी MRP है 13500। मतलब वही चीज आप सोच के आए, इतना सा, और भाई आगे लिस्ट बना दी इतनी सारी। खैर दोस्तों, ऐसा है कि बार बार तो काम करवाना नहीं और बार बार तो चंडीगढ़ आना नहीं है, है ना। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक ही बार मैं जितना भी हो सकता है मेरी तरफ से और जितना अच्छा मैं बना सकता हूँ उतना अच्छा काम करवा लेते हैं। दे दे रे बाबा, दे 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 दे। यो ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस, मुझे लगता नहीं कैश निकल पाएगा पक्का। इतने आपने ट्रांजैक्शन कर दी ना वही करके बैंक भी थक गया नहीं यार दे 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 यार दे दे भाई, अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है, लगभग 1 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है। भाई कार्ड तो छोड़ दे, फंस गया यार कार्ड भी इसमें, ऐसा भी क्या ATM भाई, 1.5 मिनट बीत चुके हैं लगभग, ना तो ये कार्ड दे रहा है और ना ही पैसे दे रहा है। ये बताओ, द कार्ड इज इनवैलिड ऑथराइज्ड, इतनी देर से क्या वे। गाड़ी की कंडीशन दोस्तों आप अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह की है, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर नहीं है वहाँ पे, ये हटा दिया इन लोगों ने, नया लगवा रहे हैं एक्चुअली, और बाकी नीचे का भी कुछ सही नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ें डलवाते नहीं और फिर देखते हैं उसके बाद कैसी लुक जो वो बन के आई। सर अभी ना गाड़ी बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम बता रहे हैं और भूख भी हल्की हल्की लगने लगी है, और ऐसे में भाई आज कहाँ पे जा रहे हैं यूश भाई खाना खाने। भाई आज सेक्टर 28 के अंदर सबसे फेमस ढाबा है पाल ढाबा। पाल ढाबा, यस, मैंने भी बहुत बार सुना है ये, एक्चुअली मुझे मम्मी ने कहा था चलते पाल ढाबा में, ऐसा होता है सुपरस्टार वगैरह कुछ, मैंने सुना है। दो ब्रांचेज है वैसे पाल ढाबा की, सबसे पुराने वाले में ही आज हम जा रहे हैं, जो 1960 से है, वो 1960 से वो ढाबा है। अच्छा, और उसके अंदर भाई जितने भी सुपरस्टार सलमान खान जितने भी है ना, वो सारे यहीं पे आके खा के जाते हैं। अभी फोटोज भी दिखाएंगे आपको, अंदर फोटोज भी लगी हुई है। अरे क्या बात है, तो चलो दोस्तों चलते हैं फटाफट। और पाल ढाबा भी ऐसा नहीं कोई बहुत दूर है, ये देख सकते हो आप, ये रहा सामने नॉर्मल सा ढाबा है, कोई बहुत ऐसा भी नहीं है। ये देखो ना, सारे के सारे जितने भी सेलिब्रिटी हैं सारों की फोटोज़ यहाँ पे लगा के रखी हैं, जो भी यहाँ पे आके खाना खा कर गए हैं, जैसे कि मान के चलो आलिया भट्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आप पाल ढाबा में आके गई थी, है ना, ऊपर अनुपम खेर जी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री के बंदे हैं, बस सारे यहाँ पे आके गए हैं। अब एक्सप्लेन करने में बैठ जाऊँगा तो वो तो भाई टाइम लग जाएगा। गाइज यार सही बताओ ना, पाल ढाबे में खाने की फीलिंग, मतलब यार फुल पैसा वसूल है, तीन लोगों ने खाना खाया लगभग 800 रुपए बने, बट दोस्तों खाना सच में, मैंने सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो बोलते हैं ना कि भाई ऊंचा नाम और मीठा जो पकवान, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर सेलिब्रिटी आते हैं तो भाई वो जो होटल है मतलब बिल्कुल देसी टाइप का, वो उस चीज़ को डिज़र्व भी करता है। मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप भी कभी चंडीगढ़ आते हो तो ज़रूर से ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के या फिर आप ढाबे में बैठ के
खाना खाएं। खैर दोस्तों अभी गाड़ी का काम हो गया था फिनिश एंड उसके बाद मैं वापस लौट आया घर को। तो चलो अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या काम करवाया और कितना खर्चा आया है। और ये देखो भाई, इंक्वायरी वाले मेरे से पहले ही कार में पहुँच चुके हैं। हेलो, ओपन करना जी, ओपन करना। ये क्या है, कर दो ओपन। ये मत बोलना। क्या, कैसी लगी मॉडिफिकेशन पूरी की पूरी? बहुत अच्छी है। पता चल गया क्या क्या चीज़ें डली है? नहीं यही थोड़ी है, तो पूरी चीज़ें बताओ। चलो बताता हूँ। पहली चीज़ तो यह है दोस्तों, यहाँ पे जो गाड़ी में आप मैट देख रहे हैं ना, ये चीज़ें मैंने भाई अब डलवाई हैं। और सही बताऊँ ना तो मैट से अब कैसा फील आ रहा है, सच बताना। जब पहले का याद है? तो पहली चीज दोस्तों मैट पड़ी है। सेकंड चीज जो है ये पड़ा है एक डिस्प्ले 10 इंच का या कुछ ऐसे करके, है ना, एंड्रॉयड का, जिसके बंदर भाई हाँ बैठ के वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो शिवानी तो ऐसा करेगी आई थिंक आने वाले टाइम में कि, है ना। अच्छा जी, मैं नहीं चाहती वहाँ पे कोई और बैठे, मैं ही बैठ करके देखूं। चलो ठीक है, वो भी बढ़िया है। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये आ गई। तो एक्चुअली मुझे सबसे कॉस्टली चीज़ जो पड़ी आपकी बार काम करवाने में, वो ये पड़ा है साउंड सिस्टम। यहाँ पे और पीछे चार जो स्पीकर होते हैं, वो सारे के सारे स्पीकर मैंने लगवाए हैं दोस्तों JBL के। और पीछे एक ना ट्यू तुमने देखी वहाँ पे, अब डिक्की में खोल के, हाँ डिक्की में खोल के तो क्या बताऊँ मैं, ना सही बताता हूँ तो मतलब पीछे जो है वो बेस ट्यूब पड़ी है एक, है ना, जिसका कि साउंड टेस्ट मैं आपको अभी करके बता दूंगा। हल्की हल्की चीज़ें लगवाई है, जैसे कि भोलेनाथ जी का ये लॉकेट जय शंकर, और साथ में कुछ VIP लोगों के लिए फ्रेशनर, है ना, बिल्कुल होता है। क्या बोला, डिमांड सुन लो, क्या देखना है तुम्हें, फिर से बोलना एक बार। मैं कह रही थी एयर बैग को टेस्ट करें एक बार, टेस्ट हो जाए। अच्छा। जिंदगी मौत का सवाल है। चलो ऐसा काम करते हैं, मैं उतर जाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं उतरना क्यों, तुम्हारा वाला भी उस वाली साइड का भी एयर बैग टेस्ट करते हैं। पता नहीं भाई, पता नहीं खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, कि शायद पहले खुल चुका। तुम जाओ ना, मस्त जाओ, मैं नहीं रोकता, जाओ। नहीं नहीं टेस्ट करते हैं ना। नहीं तुम करो, मैं एक इंसान तो ऐसा चाहिए ना जो बाद में तुम्हें एमरजेंसी। एयर बैग से बुद्धू नहीं, तुम नहीं कुछ होने वाला, एयर बैग से, एयर बैग होते इसीलिए बचाने के लिए। अच्छा जी, और नहीं भी खुलते हैं कई बार, पता है? नहीं तो टेस्ट तो करना है। और नहीं खुला तो साथ साथ ऊपर जाएंगे, मेरा साथ नहीं चलेगा। तो गाइस बस ये कुछ चीजें थी हल्की हल्की। चलो फटाफट से मैं आपको जो थोड़ा आवाज सुना देता हूँ, बेस कैसी है गाड़ी के अंदर। तो ये हो गया हमारा एंड्रॉइड सिस्टम ऑन। कॉपीराइट से बचना भाई, कॉपीराइट से बचना। कहाँ गाना सुनाने में लगे पड़े हो तुम। किसको बोल रहे हो कॉपीराइट से बचना? तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी कॉपीराइट मतलब लोग लाई देंगे तुम्हें, चलो कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ। कैसा भी गाया, एक गाना मैंने भी गाया, भूल गए, ठीक है, उसी अपने गाने को प्ले कर देते हैं, मेरी बात पहाड़ी वाले, है ना। फिर देखते हैं दोस्तों, शायद आवाज कैसी आएगी मुझे नहीं पता है। गाना तो हो गया प्ले, बाकी करते हैं फुल साउंड, रुको। आवाज ना दोस्तों बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकता, क्योंकि शिवानी के जो पड़ोसी है ना भाई, थोड़े एग्रेसिव टाइप के हैं, है ना, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा, और मेरी गर्मी से हालत ख़राब हो रही है अभी। चलो AC ऑन कर लो, ठीक है, आराम से बैठते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का था। और अब बात करूँ मैं पूरा खर्चे वर्चे की, तो सच बताऊँ तो आज की डेट में ये काम करवाया, थोड़ा म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया, तो कम से कम 35,000 लगभग जो है वो पूरा का पूरा खर्चा दोस्तों बैठ गया, मतलब एक्स्ट्रा गाड़ी लेने के बाद भी, है ना। तो आदमी होता है, गाड़ी लेने के लिए अलग से पैसा लगता है, उसको मेंटेनेंस के लिए और ज्यादा पैसा लगता है। अभी तो तुम देखना आगे आगे। अरे ऐसे मत डराओ यार, सच में सर्विसिंग करानी होगी, पेट्रोल लेगी, बहुत ज्यादा बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई।
बिना पेट्रोल के तो मुझे पता है कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। वाह 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 वाह। तो वो कौन सी गाड़ी है? पेट्रोल जोक पीजे चलती नहीं चलती है पेट्रोल नहीं चलती है डीजल के साथ CNG, नहीं चलती अनटिल अनलेस सीएनजी गाड़ी ना CNG अभी मार्केट में है ठीक है वो उधर हमारे यहाँ पे नहीं चलती अभी तक पेट्रोल या डीजल चलता है। तो आई होप दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है यार क्या करना है, वीडियो करना है लाइक और शेयर कर देना है, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। रात को सपना आया था मेरे 1,00,000 फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम के ऊपर, बट भाई कब पूरा करोगे यार? करो फॉलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हंसो मत तुम भी। फॉलो मेरा भी, मेरा भी नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय। क्या फील कर रही हो अभी? तुम्हारे 30,000 का फील ले रही हूं मैं एकदम। लो 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 आराम से, और लेट लेट के लो। कहां से लेटते हैं? बस करो यार।